कि हुकूमत ने तो लचक दिखाई इस मामले पे चेयरमैनशिप दे दी गई अपोजिशन को, क्या अपोजिशन जो गुज़श्ता उनकी हुकूमत थी उनके जो ऑडिट पैराज आएंगे उस पर क्या अमल अख्तियार? देखें, जब ऑडिट पैरा आएगा तो चेयरमैन तो वहाँ बैठा होता है, वहाँ पर और सारे मेम्बर होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता किसी को कोई अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम करना, इसलिए वहाँ बहुत से मेम्बर हैं। लेकिन जब आपने पी एस सी का जिक्र कर दिया तो फिर बिलावल भुट्टो को भाई सबका जिक्र होना चाहिए, बेसिकली उनको आप सो रही थी, उन्होंने कहा नहीं अपोजिशन के लीडर को जानी चाहिए, तो अपोजिशन लीडर को ये स्लॉट मिलने में जो किरदार है इनका तो साहब का, हमारे बिलावल भुट्टो साहब का, उससे बढ़ के किसी का नहीं है। लिहाजा आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस डेवलपमेंट टू बिलावल भुट्टो साहब। लेकिन ये कि मनसूबों पर ऑडिट कैसे करेंगे? नहीं, जब वो तरीकाकार होता है, ऑडिट कमेटियां जब बनती हैं, सब कमेटियां होती हैं और बड़ा ट्रांसपेरेंटली होता है, वो पब्लिक स्क्रूटनी में होता है, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए, हमें इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए। शुक्रिया। ठीक है, इस लिहाज से तो फिर हुकूमती बहुत से लोग बैठे हुए हैं और उन मिनिस्ट्रियों में बैठे हुए हैं या उन जगहों में बैठे हैं जहाँ पर उनके अपने इंतजाम आते हैं, तो ऐसी बात नहीं होती, जो पब्लिक स्क्रूटनी जो है उसको तेज़ किया जाए तो बेहतर।